ओ आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। ओ तेरे कांधे पे जो तिल है, तेरे सीने में जो दिल है, तेरे बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। 5 मिनट हुआ है फ्रेंड्स गाना सुन के, आज से तेरी। और लिटरली वो गाने होते हैं ना इंस्टेंट हिट, मतलब सुनते ही आदमी को पसंद आ जाए, वो गाना है ये गाना पैडमैन का। लिटरली अरिजीत सिंह ने जो गाना गाया है चार्ट बस्टर हुआ गाइस। अभी हम इस गाने को रिव्यू करेंगे, तो आइए मैं आपको मिलूंगा इस रिव्यू के बाद। देन कीप वॉचिंग। नमस्कार भाइयों बहनों, लक्ष्मीकांत चौहान की शादी गायत्री चौबे के संग विवाह कार्यक्रम शुक्रवार 26 जनवरी 2018। वेल फ्रेंड्स, गाने की शुरुआत होती है अक्षय कुमार के साथ, किस तरह अक्षय कुमार दूल्हे के लिबास में काफी हैंडसम लग रहे हैं और उनकी शादी होने वाली है गायत्री चौबे यानी कि राधिका आप्टे के साथ। राधिका आप्टे भी दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोनों की केमिस्ट्री सुहागरात के सीन में काफी अट्रैक्टिव लग रही है और किस तरह से अक्षय कुमार अपने अंदर का बचपना निकाल कर उनके साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। वेल फ्रेंड्स, दोनों की सुहागरात का दिन है और किस तरह से वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले हमें इन दोनों की कुछ फुटेज दिखाते हैं। वेल फ्रेंड्स, फिर रक्षाबंधन का दिन आता है, अक्षय कुमार को राखी बांधी जाती है और किस तरह से उनके घर में शायद एक छोटी बहन है जो उनके जेब में से पैसे चुरा के भाग जाती है। वेल फ्रेंड्स, गाने की शुरुआत होती है अमित त्रिवेदी के बेहतरीन संगीत से। देख सकते हो प्यास काटते हुए राधिका आप्टे की आंखों से आंसू आते हैं और अक्षय कुमार उनकी आंखों से आंसू न आने के लिए कौसर मुनीर की बेहतरीन लिरिक्स को यूज करते हुए उनके लिए एक ऐसा मशीन बनाते थे प्यास काट दे। फ्रेंड्स, कौशल मुनीर के लिरिक्स इतने बेहतरीन तरीके से इस गाने में यूज किए गए कि अक्षय कुमार जब प्यार से कपड़ा घिस घिस के धोता है तो इतना धो देता है कि कपड़े को फाड़ी देता है। अगले सीन में आप देख सकते हो किस तरह अक्षय कुमार अपनी पहली कमाई अपनी बीवी के हाथ में देता है और बड़े प्यार से उसकी बीवी कहती है, नहीं, आप अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथ में दीजिए। अक्षय कुमार इस फिल्म में इतना परफेक्ट कैरेक्टर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी बीवी के लिए एक फूल खरीदने जाते हैं बाजार में, सारी औरतें वही फूल इस्तेमाल करती है लेकिन वो अपनी बीवी के लिए एक स्पेशल गजरा बनाते हैं। और ये अगला सीन अक्षय कुमार के फैंस के दिल को पिघला देगा, किस तरह से अपनी बीवी के बालों में प्यार से वो गजरा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म में अक्षय साइकिल चलाते हैं, ऑब्वियसली राधिका आप्टे कंफर्टेबल नहीं रहती है साइकिल पे, और जिस तरह से थिएटर में लकड़े के सीट पे वो खुशी खुशी बैठी है उसी तरह की सीट अक्षय कुमार बनाते हैं अपनी बीवी के लिए साइकिल पे। वाओ, अक्षय कुमार विंटेज कुमार एट इट्स बेस्ट। देख सकते हो राधिका आप्टे काफी खुश लग रही है और अगले सीन में किस तरह एक मेले में कैंडी फ्लॉस उनको खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंटास्टिक सॉन्ग गाइज, आज से तेरी हर एक मियां बीवी के लिए। फैंटास्टिक सॉन्ग गाइस, लिटरली अक्षय कुमार ने जो एक्टिंग की है इस गाने में, लिटरली हर औरत या फिर हर शादीशुदा कपल, शादीशुदा जीवन जो वैवाहिक जीवन रहता है उसमें ऐसी खुशियां चाहता है किस तरह से एक पति अपनी पत्नी को खुश रखे, बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी खुशियों से, वो ये गाना दर्शाता है। एंड आई थिंक अक्षय कुमार सिंप्लिसिटी इन दिस सॉन्ग इज एट इट्स बेस्ट। मतलब इतना बड़ा बॉलीवुड का सुपरस्टार इतना सिंपल रोल इतनी आसानी से निभा के खुशी खुशी चले जाता है। फैंटास्टिक, आई मीन आज से तेरी गाना एक ब्लॉकबस्टर होगा, लिटरली बोल रहा हूं, जब पैडमैन रिलीज होगी तो भी गाना इस फिल्म को एक एडेड एडवांटेज देगा। और एंड में सोनम मैडम भी आती है, सोनम कपूर जी, तो उनका भी गाना होगा, तो लेट्स सी जब उनका गाना आएगा तब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर एपिसोड पसंद आया हो आज से तेरी सॉन्ग रिव्यू विद मी आमिर अंसारी, तो प्लीज हमारे छोटे से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हां सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन एज ऑलवेज से